नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के बारे में। तो अभी तक हम लोग 11 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 11वां चैप्टर था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, याद रखिए जितने भी चैप्टर हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, जनरल साइंस के नाम की जो सूची बनी हुई है प्लेलिस्ट में, उसी में डालते जा रहे हैं। ठीक, याद रखना। बार बार कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, चलिए इसे देखते हैं। एनीलिन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो याद रखना है, भाप आसवन का। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में क्या नाम है? मैथिनॉल। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथीन। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का रस नाम क्या है? एथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरल का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोल क्लोरोएथेनॉल। फिनॉल यौगिक है, एरोमेटिक। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? OH। आगे बात करते हैं, एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? CHO। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? CO, C बराबर O। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? COOH। आगे बात करते हैं, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह। सजातीय श्रेणी का कौन सा कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है? CH2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? CH2N+2। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। ठीक है, आगे बात करते हैं, एसिटिलीन का मूल मूलानुपाती सूत्र क्या है? याद रखना, CH। ठीक है, मेथाइल एल्कोहल का समजात कौन सा है? एथाइल एल्कोहल। प्रयोगशाला में संश्लित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं, कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया? लीवेल तथा वॉन्ट हॉप ने। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा? सेलुलोज। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? कार्बन। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है, इस यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? C2H4O2। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कार्बनिक यौगिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अवघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। क्रम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन को ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? भंजन। ठीक है, आगे बात करते हैं, ठोस कपूर को वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल।
एक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समवयवी। ठीक है, बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक, कार्बनिक यौगिक तो एक खुली श्रृंखला वाले यौगिक जैसे उदाहरण है प्रोपेन, बंद श्रृंखला वाले यौगिक जैसे उदाहरण है साइक्लोब्यूटन, इसमें है समचक्रीय यौगिक विषम चक्रीय यौगिक। तो समचक्रीय यौगिक में एली साइक्लिक यौगिक जैसे उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन, एरोमेटिक यौगिक में ब्रेंजीन, फिर विषम यौगिक में एली साइक्लिक यौगिक जैसे एथोक्सी एथेन, एरोमेटिक यौगिक में फ्यूरॉन। ठीक है, आगे बात करते हैं पेट्रोल जिससे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में उपयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? वर्जीलियस ने। आगे बात करते हैं हम लोग रसायन विज्ञान के विकास के प्रारंभिक समय में यह माना गया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इनके निर्माण के लिए जैव शक्ति का होना अनिवार्य है जो कि केवल सजीवों में पाई जाती है। जैव शक्ति सिद्धांत कांत यूरिया प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। इसे सर्वप्रथम 1773 में मूत्र से प्राप्त किया गया था। वेबलर ने 1828 में इसे प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से संश्लेषित किया। प्रयोगशाला में तथ्यों से बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल है। इसका निर्माण कोलबे द्वारा किया गया। ठीक है, प्रयोगशाला में तथ्यों से बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल है। इसका निर्माण कोलबे द्वारा किया गया था। पेट्रोकॉप्स के मुख्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादपों के किस कुल से संबंधित रखते हैं? यूफोरबियेसी। मिट्टी के तेल का संग गठन क्या होता है? C10C16। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है इसका मिश्रण है। तो याद रखिए पेट्रोल व एल्कोहल का मिश्रण है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। पेट्रोलियम में किसका समांगी मिश्रण रहता है? हाइड्रोकार्बन का। सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे का माना जाता है? मेथेन को। मेथेन अणु की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। मेथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण कितना होता है? 109°28। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मेथेन। प्रयोगशाला में मेथेन गैस कैसे बनाई जाती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। किस गैस को मास गैस के नाम से जाना जाता है? मेथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मेथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मेथेन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होती है? हेल से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। घरेलू फ्रिज सामान्यतः कौन सा पिसी तक उपयोग में लाया जाता है? फियोन।
कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड पर H2O से कराने पर क्या बनता है? मेथेन। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतलीय। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है? पॉली एथिलीन। याद रखिए पॉली एथिलीन। आगे एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस विषैली गैस बनाती है? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? LPG। खदानों में अधिकांश विस्फोटक क्यों होता है? हवा के साथ मैथेन के मिश्रण से। प्रसिद्ध शीतलक फियोन वास्तव में क्या है? डाइफ्लोरोमेथेन। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ट्राइक्लोरोमेथेन किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए पायरीन। बिजली से लगी आग बुझाने में क्या प्रयुक्त होता है? पायरीन अग्निशामक। एल्कोहल के अवयव तत्व क्या है? तो याद रखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नारसलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में होता है? एसिटिलीन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। वेस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। मेथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। एंटीफेज किसका मिश्रण है? मेथाइल एल्कोहल व जल का। शराब में क्या उपस्थित होता है? एथाइल एल्कोहल। एल्कोहोलिक पेयों में क्या होता है? एथाइल एल्कोहल। अन्य एल्कोहल के नाम से क्या जाना जाता है? एथाइल एल्कोहल। अधिक मात्रा में एथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर पर। उन शराब त्रासदियों में जिनमें परिणाम स्वरूपता अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ क्या होता है? मेथाइल एल्कोहल। विकृतिकृत स्पिरिट मुख्यतः किस नाम किस काम आती है? तो याद रखें वार्निश बनाने में विलायक के रूप में। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? ईंधन के रूप में प्रयुक्त एथाइल एल्कोहल। विकृतिकृत एल्कोहल क्या है? मेथाइलेटेड और विकृतिकृत स्पिरिट पीने के लिए अनुपयुक्त। आगे बात करते हैं जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी मानसिक दुविधा उन्नीदापन सामान्य अंतर्बोध का कम हो जाना भाव शून्यता आदि आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशियाँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है और इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाए। विकृत एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है आगे बात करते हैं।
परशोधित स्पिरिट में क्या होता है, तो याद रखना 95.57 एथाइल एल्कोहल व 4.43 जल। परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, तो याद रखना 100% एथाइल एल्कोहल। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखने एथाइल एल्कोहल C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, एथाइल एल्कोहल का। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, बुड एल्कोहल। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किडवन। एथिलीन की प्रक्रिया पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। किडवन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। एल्कोहोलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, एथाइल एल्कोहल। किडवन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं किडवन की क्रिया की में कौन सी गैस निकलती है, तो याद देख लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफेज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में क्या क्या होता है, पानी और एथिलीन ग्लाइकोल। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या है, फॉर्मेलिन। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोटोपिन किस से बनाया जाता है, तो याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड से। यूरोटोपिन क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता, एक एल्डिहाइड व एक एस्टर। काष्ठ से प्राप्त पायरोग्नियस अम्ल क्या होता है, 10% एसिटिक अम्ल। बायोडीजल के उत्पाद में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। जब चींटियां काटती हैं तो वे क्या अंततः छिपित करती हैं, तो याद रखना फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो याद रखना है एसिटिक अम्ल। सिरा किसके लिए अति उत्तम कच्चा माल है, एसिटिक अम्ल के लिए। सिरके का प्रमुख घटक क्या है, एसिटिक अम्ल। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, एसिटम। सिरका क्या होता है, जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, या किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, साइट्रिक अम्ल। आंसू गैस के बारे में बात कर लेते हैं, टीयर गैस। आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है, इस गैस के मानव नेत्र के संपर्क में आने से आँखों में जलन पैदा होती है एवं आंसू टपकने लगते हैं। एल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन एक्कोलीन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैसें हैं, इसे गिनस में भरकर प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्लोरोपिकिन प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग भी आंसू गैस की तरह किया जाता है। आगे बात करते हैं फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है, फेरक्स ऑक्जिलेट। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जिलिक अम्ल। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, ऑक्जिलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रयाग किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गोल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्ति अधिक मात्रा में टमाटर अंडे दूध गोभी आदि नहीं लेना चाहिए, ताकि किसके क्रिस्टल ना बन सकें, कैल्शियम ऑक्जिलेट। कार्बनिक यौगिकों में से किसके आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है, ऑक्जिलेट अम्ल।
आगे बात करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्ति पूति भूर्ति पुतिरोधी। कार्बनिक यौगिक से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? यूरिया को। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। किस कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? यूरिया को। किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 40%। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? व्हीलर। पहला एरोमेटिक यौगिक कौन सा है? ब्रंजीन। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिए टार्टरिक। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। आगे बात करते हैं। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? टेफ्लॉन का। प्लास्टिक वस्तुएं क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। गेमेक्सिन क्या है? कीटाणु नाशक। लोह उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्रंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। ट्राई नाइट्रो ब्रंजीन क्या है? विस्फोटक। मिरवेन का तेल के नाम से क्या जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता से क्या उपयुक्त होता है? एनिलीन। DDT का पूरा नाम डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला कौन सा यौगिक है? सोडियम बेंजोएट। आगे बात करते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल क्या है? C6H5OH। वेकिलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड। प्लास्टिक उद्योग में उपयुक्त होने वाला शब्द PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है तो याद रखना टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बरसाती किससे बनाई जाती है? याद रखिए पॉलीकार्बोनेट्स। कौन सा प्लास्टिक खाने के बाद खाने के पदार्थ को पैक करने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? मैथिल आइसोथायोसाइनेट। याद रखिए इसे मैथिल आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। नेफ्थिलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल तार। क्लोरल का क्लोरो ब्रंजीन के साथ संघनन क्या देता है? DDT। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोओरोकार्बन। ओरलॉन किसका बहुलक है? एक्रिलो नाइट्राइल का। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? PVC। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोपीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? केवलर। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? फैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? असंतृप्त वसा। एमाइड को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है? होफमैन। आगे बात करते हैं। ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के। कौन सी औषधि दुश्चिंता
को कम करती है और शांति प्रदान करती है विषांतक। साबुन निर्माण में कौन होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है, दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के। एक विद्यार्थी में संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग किया कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा। टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट। नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है प्लास्टिक टेफ्लॉन। लाह एक है प्राकृतिक बहुलक। कृत्रिम रेशा का नाम क्या है, डेकोन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, रियोन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल क्या है, एडीपिक अम्ल। आगे बात करते हैं नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड। रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल उपयोग किया जाता है, सेलुलोज। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि होती है, गंधक के साथ गर्म करना। वनस्पति तेल क्या है, असंतृप्त बसीय अम्लों के ग्लिसराइड। रबड़ विद्युत का चालक है अथवा नहीं। कोयला मुक्तक किस तत्व का बना होता है, कार्बन का। कांच संगमरमर पत्थर और कठोर अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीरा का। ठीक है, आगे बात करते हैं हीरा मूल तत्व है अथवा नहीं है तो। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र के में कोयला दहन के समय कौन से उत्सर्जन होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड। कार्बन के वलय अथवा कई कड़ियां बनाने के गुण क्या कहलाते हैं, कैटिनेशन। जब हीरे तथा ग्रेफाइट को वायु में अत्यधिक गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चीनी उद्योग में रंग हटाने में किसका उपयोग होता है, सक्रिय कार्बन। किस ताप पर वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिए -78°C। आगे बात करते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आयतनानुसार कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.03%। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठीक है, शीतलक पेय पदार्थों में कौन सी गैसें बोतलों में भरी जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कच्चे फलों को पकाने के लिए मुख्यतः किस गैस का उपयोग होता है, एथिलीन। एसिटिलीन की खोज किसने की थी, अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने। अंगूर की शक्कर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। ग्लूकोज तथा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट मिलकर चांदी की सफ़ेद पर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रजत दर्पण। ठीक है, कार्बनिक रसायन के उपयोग, ये औषधीय हैं, एस्पिरिन, क्विनोन, सल्फाइडेक्स, सल्फर ड्रग्स, पेनिसिलिन, रोगाणुनाशी। भोजन में अनाज, सब्जियां, वसा, दूध, शर्करा, फिर कपड़ों में होता है सूती वस्त्र, सूती ऊनी, रेशम, नायलॉन, डेकोन। उद्योग की बात करें तो प्रसाधन इसमें कागज, साबुन, विस्फोटक, प्लास्टिक, पेंट, रबड़, एल्कोहल, पेट्रोलियम। ठीक है, आगे बात करते हैं टी का पूरा नाम क्या है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रो ग्लिसरीन की जगह किसका उपयोग होता है, सोडियम नाइट्रेट। RDX को किस नाम से जाना जाता है, प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव। एस्पिरिन किससे बनाई जाती है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बात करते हैं हीरा, कार्बन की अवस्था और उनके उपयोग। ठीक है, कार्बन की अवस्थाएं, तो हीरा
जेमस्टोन काटने में, पीसने में, पॉलिश में, उद्योग में, ड्रिलिंग में, ग्रेफाइट का स्टील उद्योग में, पेंसिल, उच्च ताप क्रूसिबल तत्वों के विघटन अवघटन में प्रयोग के लिए जाने वाले विद्युत अवघटन के रूप में, कोक का स्टील उद्योग ईंधन में, ठीक है। कार्बन ब्लैक रबर उद्योग, स्याही पेंट तथा प्लास्टिक में, सक्रिय कार्बन चीनी उद्योगों में रंग हटाने में, रसायनों के शोधन में, उत्प्रेरक ईंधन में, अपचायक में, ठीक है। बात करते हैं वेरानोल किससे बनाई जाती है, यूरिया से। फिनोल किस औषधि के निर्माण में प्रयुक्त होता है, फेनेस्टिरिन, फेनेस्टिन। सूक्ष्म जीवाणु से कौन सी औषधि बनाई जाती, एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन का आविष्कारक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एस्पिन कोसिन आदि औषधियाँ क्या कहलाती हैं, एंटीपायरेटिक्स। निषेचक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, विलियम मार्टिन ने। सर्वप्रथम विलियम मार्टिन ने किस रासायनिक को निषेचक निषेचक के रूप में प्रयोग किया, डाई एथिल ईथर के रूप में। क्लोरोफॉर्म को निषेचक निषेचक के रूप में किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, जेम्स सैम्पसन, सैम्पसन ने। घरेलू गैस में गंध के लिए कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है, एथिल मरकैप्टन। गीले गोबर के सड़ने पर कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस। रॉकेट में उपयोग की जाने वाली ईंधन को क्या कहते हैं, नोदक। सेंटन बूस्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, केरोसिन तथा ऑक्सीजन के सहयोग से बना, ठीक है। आगे बात करते हैं, चार्ल्स गुडियर से एक बार दुर्घटनावश रबड़ तथा सल्फर का मिश्रण गर्म स्टोव पर गिर गया। उन्होंने पाया कि परिणाम स्वरूप रबड़ अधिक कठोर तथा कम लचकदार हो गई। इस दुर्घटनावश खोज का उपयोग अब प्राकृतिक रबड़ टायर बनाने में किया जाता है। सल्फर को प्राकृतिक रबड़ के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया को वाल्कनीकरण कहते हैं। लेटिन भाषा में वाल्कन अग्नि के देवता को कहते हैं। रबड़ एक बहुलक है जिसमें एक ही तल में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। इसके कारण रबड़ को खींचा जा सकता है या तोड़ा मरोड़ा मुड़ा होने पर उसे सीधा किया जा सकता है। रबड़ में सल्फर की उपस्थिति उसके लचीलेपन को समाप्त कर देती है। यह कार्बन परमाणुओं के घूर्णन में भी बाधा डालती है। रबड़ बैंड की रबड़ में बहुत थोड़ी मात्रा में सल्फर होती है, इसलिए इसको खींचा जा सकता है। गेंद कालीन के अस्तर जैसे अन्य वस्तुओं की रबड़ में भी विभिन्न मात्रा में सल्फर होती है। आजकल ब्यूटी पार्लरों में भी बालों को विशिष्ट रूप से देने के हेतु सल्फर का उपयोग होता है। सबसे पहली सल्फा औषधि कौन सी है, सल्फानीमाइड। एसिटिलीन की गंध कैसे होती है, लहसुन जैसी। ऑक्टेन नंबर का सबसे अधिक मान कितना होता है, 10। रुई अथवा लकड़ी के रेशों पर सांद नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, गन कॉटन। पिक्किक एसिड का उपयोग किस में होता है, बम बनाने में। कपड़े धोने का साबुन किससे बनता है, कास्टिक सोडा। नहाने का साबुन कास्टिक सोडा। नॉन स्टिक बर्तन बनाने किसका उपयोग कहते हैं, टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। दांत के ब्रश के बाल बनाने में किसका प्रयोग होता है, नायलॉन। बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। कार्बनिक यौगिक हो गए ये अकार्बनिक यौगिक हो गए। कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील व विद्युत के कुचालक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक अज्वलनशील व विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक आयनीकृत नहीं होते हैं तथा इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अकार्बनिक यौगिक ये जल में घुलनशील पर आयनीकृत हो जाते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंद होते हैं तथा इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। अधिकतर कार्बनिक यौगिकों के मध्य विद्युत संयोजक बंद उपस्थित होते हैं, ये प्रायः रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में जल आविलेय तथा कार्बनिक विलायकों
में विलय होते हैं। ये प्रयास जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए कौन से बहुलक का उपयोग होता है? रियोन। रेडियो टेलीविजन में केस बनाने में किसका उपयोग होता है? बेकेलाइट। उच्च तनाव केबलों व टेलीफोन लाइनों में चीनी मिट्टी का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थर्मोकोल का निर्माण किस बहुलक द्वारा होता है? तो याद रखना, पॉलीस्टाइन, स्टाइरीन। फिसितक तथा कूलरों की खोखली दीवारों में ऊष्मारोधी के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? थर्मोकोल। वैज्ञानिकों ने नाभिकीय प्रक्रियाओं द्वारा किन धातुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके सोना बनाने में सफलता प्राप्त की? तो सीसा और पारा। ठीक है, याद रखिए। अब बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं, सोने का सबसे बड़ा और शुद्ध नगेट कहाँ मिला है? ऑस्ट्रेलिया में। सिक्कों का चलन सबसे पहले कहाँ हुआ है? एशिया माइनर के लीडिया राज्य में 690 से 650 ईसा पूर्व में। सबसे अधिक चांदी कहाँ मिलती है? मैक्सिको में। जीव जंतुओं में मूत्र में कौन सा कार्बनिक यौगिक होता है? यूरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कांच संगठन और उनके उपयोग। ठीक है, सोडा कांच, इसका संगठक है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिल्का। इसका उपयोग होता है ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक बर्तन बनाने में। जल कांच, सोडियम कार्बोनेट व सिल्का। इसका संगठक होता है फोटोक्रोमेटिक कांच, सामान्य अवयवों के अतिरिक्त सिल्वर क्लोराइड भी उपस्थित होता है इसमें। इसका उपयोग होता है धूप के काले चश्मे बनाने में। फिर है जैना कांच, सर्वोत्तम कांच है। जिक तथा विरियम बोरो सिलिकेट का मिश्रण होता है। रासायनिक पात व अन्य वैज्ञानिक उपकरणों में इसका निर्माण होता है। फिलेंट कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका का संगठन होता है इसका। विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी के लेंस एवं प्रिज्म निर्माण में होता है इसका। कुक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड व सिलिका, धूप चश्मों के लेंस में होता है इसका उपयोग। सीसा क्रिस्टल, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिल्का होता है इसमें। महंगे कांच पात्र बनाने में इसका उपयोग होता है। फ्रेपारेक्स कांच, बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट। इसका प्रयोग साला उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल पात्र बनाने में इसका उपयोग होता है। क्राउन कांच, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिल्का इसमें होता है। चश्मे की लेंस बनाने में इसका उपयोग। क्वार्ट्ज या सिल्का कांच, सिलिका को पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। पराबैंगनी लैंपों के निर्माण व रासायनिक अभिकर्मकों को रखने के पात्र बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं, सैक्रीन का रासायनिक नाम क्या है? आल्थो अल्फोबेंजामाइड। सैक्रीन चीनी से अपेक्षाकृत कितना मीठा होता है? 550 गुना। फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लाल चिंटी तथा मधुमक्खी में। शल्य क्रिया में बेहोशी के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त होता है? क्लोरोफॉर्म। शुष्क धुलाई में किसका रसायन का उपयोग होता है? ब्रेंजीन का। ल्यूसाइड गैस बनाने में किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। मैथिल एल्कोहल को कास्ट स्प्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सर्वप्रथम लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया गया है। ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में किसका उपयोग होता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा केमिस्ट्री का 12वां चैप्टर, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब बात करेंगे 13वें चैप्टर में कुछ प्रमुख धातुएं और उनके यौगिकों को देखेंगे। ठीक है।